रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, घंटी के निशान को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बच्चों को हेड मसाज कैसे करें और हेड मसाज करते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल पर फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर ले रही बच्चों को हेड मसाज के लिए बादाम रोगन तेल। आप चाहे तो बच्चों को जो भी तेल से मालिश करते हैं उस तेल का आप यूज कर सकते हैं। तो बादाम रोगन तेल मैं ली हूँ 1 चम्मच के बराबर। और बच्चों को अच्छी तरह से हेड मसाज करना है। हेड मसाज करते समय इन बातों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चों को जो आगे भाग में जो तलवे होते हैं सिर को काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उस पर आपको मसाज नहीं करना है, थोड़ी छोड़ कर, क्योंकि काफ़ी नाजुक होता है। तो चारों तरफ बच्चों को हेड पे मसाज करना। हेड मसाज करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को नींद जो है अच्छा आएगा, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, उसे आराम महसूस होगा। और बच्चों को माइंड के लिए भी हेड मसाज काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों को नींद काफ़ी अच्छा आता है और बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो हेड मसाज करना काफ़ी ज़रूरी है, कम से कम सप्ताह में 3 दिन जरूर करें। यदि आप रेगुलर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सप्ताह में 3 दिन करना काफ़ी ज़रूरी होता है हेड मसाज। तो हेड मसाज बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आप चाहे तो जो भी तेल यूज करते हैं वो तेल से आप बच्चों का हेड मसाज कर सकते हैं, लेकिन बादाम रोगन तेल जो होता है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है हेड मसाज के। इससे माइंड पे काफ़ी अच्छा असर होता है, तो आप कोशिश करें कि बादाम रोगन तेल से ही बच्चों को हेड मसाज करें। बादाम रोगन तेल बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है और माइंड डेवलप पावर को भी बढ़ाता है इसे मसाज करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।